अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक हमारा है जी चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर के बारे में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक आरसी सर्किट चाहिए। ठीक है, अब आरसी सर्किट क्या होता है तो इसके बारे में बता देती हूँ आपको। एक ऐसा सर्किट जिसमें एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर मौजूद हो उसको कहते हैं आरसी सर्किट। तो ये मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ। तो आरसी सर्किट में क्या करना है, हमने एक रेजिस्टर लेना है और एक कैपेसिटर लेना है। ठीक है, तो अब हम क्योंकि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले चार्जिंग करते हैं, उसके बाद हम डिस्चार्जिंग पे चलेंगे। तो चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर के लिए हमने क्या करना है, आरसी सर्किट को क्या करेंगे, बैटरी के साथ अटैच करेंगे ताकि बैटरी जो है वो रजिस्टर के थ्रू कैपेसिटर को चार्ज कर सके। तो इसका सर्किट ड्रॉ करते हैं। सर्किट में हमें क्या चाहिए जी, एक रजिस्टर चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम रेजिस्टर बना लेते हैं और हमने क्या बनाना है, यहाँ पे एक कैपेसिटर बनाना है। कैपेसिटर का सैंपल हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। ये रेजिस्टर का सैंपल है और ये कैपेसिटर का सैंपल है। इसको हम एक स्विच के थ्रू अटैच कर देते हैं बैटरी के साथ। ठीक है, अब स्विच का क्या काम होगा कि वो उसको हम ऑन ऑफ करके अपने सर्किट को जो है वो यूटिलाइज कर सकें। तो यहाँ पे क्या किया हमने, इसको बैटरी के साथ अटैच कर दिया। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हमने यहाँ लेना है और नेगेटिव टर्मिनल जो है वो इस साइड ले लेंगे और ये कर दिया हमने सर्किट कंप्लीट। ठीक है, तो जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे, स्विच के ऑन करने से क्या होगा, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगी। ठीक है, और रजिस्टर के थ्रू क्या करेगी, उनको डिपॉजिट करते जाएगी इस साइड पे। तो एज ए रिज़ल्ट जब चार्जिंग का प्रोसेस कंटिन्यू होगा, आफ्टर सम टाइम इस प्लेट पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव क्यू और इस प्लेट पे चार्ज डिपॉजिट हो जाएगा नेगेटिव क्यू। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो चार्जिंग का प्रोसेस होता है वो स्टार्ट में तो बहुत फास्ट होता है, लेकिन जैसे जैसे चार्जिंग कंटिन्यू होती है तो चार्जिंग का प्रोसेस पे क्या होगा, ये चार्जिंग बिल्कुल स्टॉप हो जाती है क्योंकि यहाँ वाला पोटेंशियल जो है वो बैटरी के पोटेंशियल के बराबर हो जाता है या एक मैक्सिमम अमाउंट तक पहुँच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चार्जिंग का प्रोसेस है वो क्या होगा, एकदम से नहीं हो जाएगा, इमीडिएटली नहीं हो जाएगा, आफ्टर सम टाइम हो जाएगा, आफ्टर सर्टेन टाइम वो कंप्लीट होगा। और वो जो चार्जिंग है वो डिपेंड करती है आर के और सी के कम्बिनेशन पे। आर और सी का कम्बिनेशन डिसाइड करता है आया कि जो चार्जिंग है वो जल्दी होगी या चार्जिंग जो है वो स्लो होगी। तो इसको हम लिख भी लेते हैं। ठीक है, फ़र्ज़ कर लें जब टाइम टी जो है वो ज़ीरो था। ठीक है, अभी टाइम हमने स्टार्ट किया है, अभी हमने बैटरी लगाई है, तो उस पॉइंट पे जो चार्ज होगा वो प्लेट्स पे ज़ीरो होगा, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन टाइम टी, ठीक है, तो जो बैटरी होगी वो क्या होगी, कुछ ना कुछ चार्ज जो है वो यहाँ से लेगी और यहाँ पे डिपॉजिट कर देगी। तो फ़र्ज़ कर लें हम जो है वो टाइम ले रहे हैं जहाँ पे बैटरी जो है वो इसको फुली चार्ज कर चुकी है या एक सर्टेन अमाउंट जो है चार्ज की यहाँ पे डाल चुकी है, उस अमाउंट को हम मैक्सिमम चार्ज कह सकते हैं या इक्विलिब्रियम पोजीशन वाला चार्ज कह सकते हैं, उसको हम क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे और क्यू नॉट बराबर आ जाएगा सी वी नॉट की। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये वी नॉट वो पोटेंशियल है, मैक्सिमम पोटेंशियल जो यहाँ पे डिवेलप करवाया जा सकता है। अब यहाँ पे बात आती है जी, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग किस चीज़ पे डिपेंड करती है। तो चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर वो रेजिस्टेंस पे और कैपेसिटर पे डिपेंड करती है। अगर इनका प्रोडक्ट ज़्यादा होगा आरसी तो चार्जिंग को ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर इनका प्रोडक्ट जो है वो कम होगा तो चार्जिंग को कम टाइम लगेगा। वो टाइम जो होता है, ठीक है, वो आर और सी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, तो उस टाइम को हम लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू आर सी। तो ये आर और सी का प्रोडक्ट जो है वो टी के बराबर होता है। अगर इसका आप यूनिट्स भी निकालें, यूनिट्स निकाल के भी आप देख सकते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो टी यानी कि टाइम के यूनिट के बराबर होता है। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी कि किस तरह से इसको निकाला जा सकता है। तो ये जो टी है, ये जो टाइम है, इस टाइम को कहते हैं टाइम कांस्टेंट। ठीक है, अब टाइम कांस्टेंट
क्या होता है इसको हम डिफाइन भी कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन बनती है जी कि वो टाइम जिसमें कोई कैपेसिटर जो है वो मैक्सिमम वैल्यू तक चार्ज हो जाए, और मैक्सिमम वैल्यू कह सकते हैं 63% लिया जाता है ये, तो ऐसा टाइम या वो टाइम जिसमें जो कैपेसिटर है उसके ऊपर 63% ऑफ टोटल चार्ज या मैक्सिमम चार्ज डिपॉजिट हो जाए उसको कहते हैं टाइम कांस्टेंट, और वो टाइम टी जो है वो आरसी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर आरसी का प्रोडक्ट ज़्यादा है तो टाइम कांस्टेंट भी ज़्यादा होगा, चार्जिंग में ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आरसी का प्रोडक्ट कम है तो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी और ये हमारे पास कैपेसिटर जो है वो भी थोड़े टाइम में चार्ज हो जाएगा। अब इसको हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आया कि इस तरह से चार्जिंग होती है, छोटा आरसी होगा स्मॉल आरसी होगा, तो फिर कैसी ग्राफ बनता है, किस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनती है। और अगर हमारे पास टी इज इक्वल टू आरसी टाइम कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होती है तब हमारे पास ग्राफ जो है वो किस तरह से बनेगा। ग्राफ बनाने से पहले हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन ऑफ चार्जिंग क्या होती है, ठीक है। जब आपके पास इक्वेशन आ जाएगी तो इक्वेशन के हिसाब से आप जो है वो ग्राफ इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन ऑफ चार्जिंग है यहाँ पे हम सिर्फ इसका रिलेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये क्या रिलेशन बनता है कि जो टोटल चार्ज हम डिपॉजिट करवाते हैं कैपेसिटर के ऊपर, ये जो चार्जिंग में चार्ज स्टोर हुआ वो बराबर होता है जी क्यू नॉट इंटू वन माइनस एक्सपोनेंट में आ जाएगा माइनस टी ओवर आर सी। ये रिलेशन जो है वो चार्जिंग के लिए वैलिड है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि ये जो चार्जिंग का प्रोसेस है वो एक्सपोनेंट टर्म के डायरेक्टली वेरी कर रहा है या उसके बराबर है, यानी कि जो ग्राफ बनाएंगे वो भी एक्सपोनेंशियल कर्व बनेगी, वो स्ट्रेट कर्व नहीं बनेगी, वो लीनियर कर्व नहीं बनेगी, वो पैराबोलिक नहीं बनेगी। और वैसे भी हमें थ्रेटिकल भी पता है कि जो चार्जिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट में तो थोड़ा इजीली और थोड़ा जल्दी होता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम चार्जिंग का प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाता है। तो यहाँ से हम देख भी सकते हैं, देखें टी ओवर आर सी की रेशो आ रही है, तो इस रेशो के मुताबिक अगर हमारे पास टी की वैल्यू ज़्यादा है तो चार्जिंग में ज़्यादा टाइम लगेगा, टी की वैल्यू कम है तो चार्जिंग में कम टाइम लगता है। तो अगर हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ ड्रॉ करते वक्त आपने ध्यान रखना है कि जो एक्सिस आपने लेने हैं वो अच्छे से आपने ड्रॉ करके फिर लेने हैं। तो यहाँ पे देखिए जो टाइम होता है उसको हम लेते हैं जी एक्स एक्सिस में, टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है जबकि चार्ज जो है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि क्यू जो है वो टी के साथ वेरी करता है, टी हमने खुद से चेंज कर सकते हैं, टी को हम खुद से रख सकते हैं और जो चार्ज होगा वो टाइम के हिसाब से डिपॉजिट होगा। टाइम टी ज़ीरो होगा तो चार्ज ज़ीरो, टाइम टी मैक्सिमम आरसी के बराबर आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास जो चार्ज होगा, देखिए टी को अगर आप आरसी के बराबर पुट करते हैं टाइम कांस्टेंट के बराबर तो ये टर्म कट जाएगी, एक्सपोनेंट में माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। तो वन ओवर ई की वैल्यू निकालें आंसर करके आप इसको देख सकते हैं कि ये 63% ऑफ चार्ज जो है वो डिपॉजिट हो जाता है कैपेसिटर के ऊपर। एक्स एक्सिस में हमने टाइम ले लेना है और वाई एक्सिस में हमने क्या लेना है जी क्यू लेना है, और क्या होगा अगर आपने इस वैल्यू निकाल के देखें तो टाइम टी ज़ीरो पे चार्ज जो है वो ज़ीरो डिपॉजिट होता है, टाइम टी ज़ीरो तो क्यू ज़ीरो, और टाइम टी जो है वो अगर आपके पास आर सी के बराबर हो टाइम कॉन्स्टेंट के बराबर हो तो वहाँ से देखें आप इसको निकाल सकते हैं क्यू इज़ इक्वल टू क्यू नॉट इंटू वन माइनस एक्सपोनेंट की पावर जो है वो माइनस वन आ जाएगी। इसको अगर आप सॉल्व करें तो सॉल्व करके आपके पास आंसर आएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करके भी लिख दिया है कि जब टाइम टी ज़ीरो होगा यहाँ पे पुट करेंगे एक्सपोनेंट की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी, ठीक है, और एक्सपोनेंट की पावर ज़ीरो दैट मीन्स वन, वन माइनस वन ज़ीरो, तो क्यू की वैल्यू जो है वो आ जाएगी आपके पास ज़ीरो। इस तरह जब टाइम जो है वो आर सी के बराबर आ जाता है तब हमारे पास ई पावर माइनस वन रह जाएगी, इसको आप डिवाइड करें आंसर लिखें तो 0.367 बनता है, वन मंथ से निकालते हैं तो 0.63 बनता है, 0.63 को आप लिख सकते हैं 63/100 क्यू नॉट, ठीक है। और इस चीज़ को आप इसका अगर आप परसेंटेज निकालें मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो ये बनता है जी 63% ऑफ क्यू नॉट। यहाँ पे क्यू नॉट हमने क्या लिया जी इक्विलिब्रियम चार्ज या मैक्सिमम चार्ज। यहाँ से भी प्रूव होता है
कि t इज इक्वल टू आर सी, यानी कि टाइम कॉन्स्टेंट वो टाइम होता है जिसमें इक्विलिब्रियम चार्ज का 63% कैपेसिटर पे डिपॉजिट हो जाता है। तो कोई अगर आप दरमियान सी वाली वैल्यू भी लें तो वहाँ से भी आपकी चार्ज की वैल्यू जब आती जाएंगी। तो यहाँ से आप क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ। तो अगर आप ग्राफ ड्रॉ करें डिफरेंट वैल्यूज़ लेके, इसी इक्वेशन में आप पुट करते जाएँ तो आपके पास चार्ज की वैल्यू जो है वो आती जाएगी टाइम के हिसाब से। तो जो आपके पास कर्व बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, एक्सपोनेंशियल कर्व। ठीक है, स्टार्ट में देखिए जो चार्जिंग का प्रोसेस है, कम टाइम में ज़्यादा चार्ज स्टोर हो रहा है, लेकिन आगे ही आगे यहाँ पे देखिए जो टाइम है वो स्पेंड होता जा रहा है, जबकि चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है वो इतनी ख़ास नहीं बढ़ रही। तो यहाँ पे कहीं दरमियान में जाके जहाँ पे तकरीबन चार्ज कांस्टेंट हो जाता है, यहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। जब चार्ज तकरीबन कांस्टेंट हो जाएगा तो इस वैल्यू ऑफ चार्ज को हम कहेंगे कि ये मैक्सिमम वैल्यू है क्यू नॉट, और यहाँ पे जो टाइम होगा उसको हम लिखेंगे कि ये क्या है हमारे पास, टाइम कांस्टेंट टी इज इक्वल टू आर सी होगा। ठीक है, तो अगर देखें टी इज इक्वल टू आर सी या टाइम कांस्टेंट छोटी वैल्यू है तो क्या होगा, ये जो कर्व है वो जल्दी से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में पहुंच जाएगी। अगर t इज इक्वल टू आर सी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो तब ये जो कर्व होगी वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में थोड़ा देर से पहुंचेगी। तो ये बहुत डिपेंड करता है r और c पे। अब हम यहाँ पे दो कर्व बना लेते हैं उनको कंपैरिजन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखें जो t इज इक्वल टू आर सी टाइम कॉन्स्टेंट छोटा होगा वो वाली कर्व पहले इक्विलिब्रियम पे पहुँच जाएगी, जबकि जिसके लिए t इज इक्वल टू आर सी जो है वो ज़्यादा होगा वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे देर से पहुँचेगी। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि ये वाली जो कर्व है वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन मैक्सिमम पोजीशन पे जल्दी पहुँच रही है, जिसके लिए हम कहेंगे कि ये जो है आर सी की वैल्यू ये स्मॉलर वैल्यू है आर सी की, यानी कि आर सी स्मॉल होगा तो ये जल्दी से अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहले पहुँच चुके। देखें यहीं पर पहुँच गई इस पोजीशन पे, जबकि ये वाली जो कर्व है नीचे वाली ये है जी लार्जर आरसी वाली, लार्ज आरसी। ठीक है, तो इसमें देखें ये वाली कर्व जो है तकरीबन यहाँ पे कहीं पे जाके अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुँची है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये चार्जिंग वाला प्रोसेस जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इवन मेरे से जो है वो ये क्वेश्चन PPSC के जो मैंने इंटरव्यू दिया था उसमें पूछा गया था। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप अच्छे से बता सकते हैं, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो बहुत मुश्किल होने वाली है आप लोगों को। अब हम चलते हैं जी डिस्चार्जिंग पे। तो डिस्चार्जिंग में क्या होगा, सर्किट वही रहेगा आर और सी वाला, लेकिन अब हम क्या करेंगे, बैटरी को हटा देंगे। और बैटरी को हटाने से क्या होगा, जो चार्ज स्टोर हुआ हुआ है कैपेसिटर के ऊपर वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। कैसे डिस्चार्ज होगा, सर्किट बना लेते हैं जल्दी से। सर्किट में क्या, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही हमने आर बनाना है। ठीक है, रेजिस्टर और वैसे ही हमने कैपेसिटर बनाना है। अब इस केस में कैपेसिटर पहले से फुली चार्ज है। ठीक है, वैसे ही हम स्विच बनाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे अब क्या करेंगे, बैटरी नहीं लगाएंगे। ये स्विच S है। ठीक है, ये हमारे पास रेजिस्टर है और ये हमारे पास है जी कैपेसिटर। अब इस केस में कैपेसिटर पहले से फुली तौर पर चार्ज है। अब क्या होगा, यहाँ से चार्जेस जो हों, पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए थे और वो मूव करके यहाँ पे डिपॉजिट हो रहे थे, अब वही इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से मूव करेंगे और यहाँ से मूव करते हुए रेजिस्टर के थ्रू वापस इस प्लेट पे पहुँचते जाएंगे। पहले एक इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, इसी तरह से ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहेगा, और ये प्रोसेस तब तक होता रहेगा जब तक डिस्चार्जिंग जो है वो हो ना जाए। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन फॉर डिस्चार्जिंग क्या होती है, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट। ठीक है, ये भी एक्सपोनेंशियल कर्व ही बनती है, लेकिन यहाँ पे फ़र्क क्या है कि एक्सपोनेंशियल में वैसे ही माइनस टी और आर सी है। उस केस में ये जो एक्सपोनेंशियल थी ये वन माइनस में थी, यहाँ पे सीधे सीधे एक्सपोनेंशियल ई लगा दिया। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे भी हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे जब टाइम टी ज़ीरो होगा। अब यहाँ पे देखें, जब जैसे ही टाइम टी ज़ीरो था, यहाँ ज़ीरो पुट करेंगे एक्सपोनेंशियल की वैल्यू, ये कट जाएगा, वन होगी या माइनस वन। ठीक है, तो माइनस वन के लिए आंसर निकालें, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो डिस्चार्जिंग में देखें, जब टाइम टी ज़ीरो है, टाइम टी ज़ीरो पुट करें तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट
और यहाँ पे e माइनस ज़ीरो ओवर r से, ज़ीरो को किसी भी चीज़ पे डिवाइड करें वो ज़ीरो हो जाता है, तो एक्सपोनेंट की पावर ज़ीरो हो जाएगी और किसी भी चीज़ की ज़ीरो पावर जो है वो वन बनती है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास चार्ज क्या आ जाएगा, q इज़ इक्वल टू क्यू नॉट। जब टाइम t ज़ीरो है तो चार्ज अपने इक्विलिब्रियम वैल्यू पे मौजूद है, जब टाइम t जो है वो आर सी के बराबर आ जाता है, टाइम कॉन्स्टेंट के बराबर आ जाता है, तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, q इज़ इक्वल टू क्यू नॉट e टू द पावर माइनस आर सी ओवर आर सी, आर सी आर सी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और आपके पास क्या बचेगा, q नॉट e टू द पावर माइनस वन, और इसको हम लिख सकते हैं q नॉट ओवर e। अब इसको e पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.37 या 367 साथ में आ जाएगा q नॉट। और इसका क्या मतलब होता है कि बैटरी जो है वो अपने 63% डिस्चार्ज हो चुकी है, या अब उसके ऊपर कितना चार्ज बचा है, 37% चार्ज रिमेनिंग है। क्या चार्ज की वैल्यू आई है जी, q बराबर है 0.37 q नॉट, यानी कि इतना चार्ज जो है वो उसके ऊपर रह गया है, बाकी सारे का सारा डिस्चार्ज हो गया है। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करें 1 माइनस करके, तो आप देख सकते हैं कि 63% चार्ज जो है वो डिक्रीज हो चुका है, डिस्चार्ज हो चुका है, और सिर्फ 0.37 चार्ज जो है वो बचा है। तो उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ से जो है वो ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई चीज़ मिस हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ग्राफ भी बना लेते हैं। ग्राफ में क्या होगा, बिल्कुल सेम वैसे ही हमने एक्स एक्सिस में लेना है टाइम को, ठीक है, क्योंकि टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, और चार्ज हम ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, इस केस में क्या होगा, पहले से चार्जिंग है तो जो कर्व होगी वो यहाँ से स्टार्ट होगी, स्टार्ट पे डिस्चार्जिंग का प्रोसेस जल्दी होगा और आहिस्ता आहिस्ता वो क्या होता जाएगा, मिनिमम होता जाएगा। ठीक है, इसमें भी बिल्कुल सेम, अगर t इज इक्वल टू आर सी की वैल्यू ज़्यादा है तो डिस्चार्जिंग में ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर t इज इक्वल टू आर सी की वैल्यू कम है तो डिस्चार्जिंग में कम टाइम लगेगा। तो जो ज़्यादा लार्ज आर सी वाला है उसकी डिस्चार्जिंग स्लोली स्लोली होगी, और स्मॉलर वाले की जो है वो आपके पास जल्दी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, जिसकी ज़्यादा आर सी है, लार्ज आर सी है, तो उसको टाइम जो है वो ज़्यादा लग रहा है डिस्चार्ज होने में, तो देखें आफ्टर अ सर्टेन टाइम वो जाके अपने मिनिमम चार्ज पे पहुँचेगा। लेकिन जिसके लिए आर सी जो है स्मॉल होगी वो जल्दी से जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा और अपनी मिनिमम पोजीशन पे पहुंच जाएगी। अब हम आपको बताएंगे कि जी ये यूजेस कहाँ पे होते हैं चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के। तो ये जो कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का प्रोसेस है, ये एक्चुअली में हम यूज़ करते हैं जो गाड़ियों के विंडशील्ड होते हैं उनमें। ठीक है, क्या होता है कि जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होती है कैपेसिटर की, वो इनेबल करती है विंडशील्ड वाइपर्स को, गाड़ियों के वाइपर्स या कोई भी व्हीकल होती है उनके जो वाइपर्स होते हैं उनको इनेबल करती है, टू बी यूज्ड इंटरमिटेंटली ड्यूरिंग अ लाइट ड्रिजल। इन दिस मोड ऑफ ऑपरेशन द वाइपर्स रिमेन ऑफ फॉर अ वाइल एंड देन टर्न ऑन ब्रीफली। और जो टाइमिंग होती है ऑन ऑफ साइकिल की, उसको डिटर्मिन किया जाता है बाय द टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ अ रजिस्टर कैपेसिटर कॉम्बिनेशन। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई चीज़ मिस हो जाती है तो उसके लिए भी कमेंट करें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसके लिए भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।